अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल फूलों की तरह। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल को करने सब्सक्राइब, उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग और आज की अपनी रूटीन और आज का अपना काम काज, ये सब जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और वीडियो जो है एंड तक देखनी है, वीडियो बिल्कुल स्पिप नहीं करनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। हाँ तो जी, ये खड़ी है हाजरा। हाजरा ने तैयारी जो है वो माशाल्लाह कर ली है। अभी हाजरा जा रही है स्कूल। स्कूल जा रही है, तैयारी कर ली, नाश्ता भी कर लिया, नाश्ता भी कर लिया है। तो अभी क्या हो आपको? पैसे। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुकी है। अभी ये जाएगी स्कूल, इसको देते हैं पैसे, ये ले। और वसीम जो है वो भी चला गया स्कूल, उसकी बड़ी आपी जो है वो भी स्कूल चली गई। सही हो गया, सही है। आपका बैग कहाँ है? खटड़े पे रखा है, चार पाई पे रखा है जी, उधर उठाएगी फिर जाएगी स्कूल। सही है अभी। हाँ बाय बाय। और इधर आ गया जी इब्राहिम खान। इब्राहिम खान कहता है कि मुझे जो है पैसे दे दो। आपको पैसे चाहिए? क्या लोगे? शाय लेनी है? वाह जी वाह। ये कहता है जी मुझे शाय लेनी है, मुझे भी पैसे दो। चलो इसको भी देने पड़ेंगे ऐसे। ये ले, आप भी ले पैसे। और क्या लेके आएगा? चॉकलेट। चॉकलेट चलो सही है, ले आओ चॉकलेट। बाय बाय करो। हाँ तो जी, अभी जो है हम कर रहे हैं नाश्ता। जिस बहन भाई ने भी हमारे साथ नाश्ता करना है वो आ जाए जी। बिस्मिल्लाह, वेलकम। ये देखें जी, हमारी आ चुकी है भिंडी और साथ आ चुकी है रोटी। ये देखें माशाल्लाह, जिसने भी हमारे साथ नाश्ता करना है वो आ जाए जी। बिस्मिल्लाह, वेलकम। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, हम तो नाश्ता कर रहे हैं, तो जिसने भी करना है हमारे साथ आ जाए। दिए देखे, हम फट्टे के ऊपर बैठे हैं। ये फट्टा है लकड़ का और ऊपर सालन और ये रखी है रोटी। तो इधर बैठा है अकरम भाई, आपने अगर करना है नाश्ता तो आ जाए जी। बिस्मिल्लाह। हाँ तो जी, अभी हमारी आ चुकी है चाय। नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया है। जिसने चाय पीनी है वो आ जाए। ये देखें, लुक चेक करें चाय की, माशाल्लाह ज़बरदस्त चाय है, हम तो पी रहे हैं। इधर इब्राहिम बैठा है। इब्राहिम आपने पी ली? और ये चाय जो है गरम की है, तो वाइफ चली गई उधर अम्मी अब्बू को चाय देने के लिए, तो मैं जो है इधर पी रहा हूँ। जैसे भी वो दे के वापस आएगी खुद भी पिएगी, क्योंकि नाश्ता किया है। पहले नाश्ता दे के आई थी अम्मी अब्बू को और अभी जो है चाय देने गई है। अम्मी आपकी चाय देने गई है किसको? दादी अम्मा को। सही सही सही। हाँ तो जी, ये देखें हमारी चार पाई वगैरह, पंखे वगैरह सब कुछ जो है उधर रखा हुआ है अभी। तो जैसे भी सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, सफाई हो रही है। आपको झाड़ू की भी आवाज़ आ रही होगी, तो कमरे से सफाई शुरू हो चुकी है। कमरे भी सफाई करेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। ये सारा सामान जो है अंदर शिफ्ट करेंगे और बाहर की सफाई करेंगे। ये देखें ना, ये दरख्त वगैरह ऊपर से ये सारा कुछ ना कचरा वगैरह होता है, बाहर जो सफाई हम कर लेंगे फिर सब मुकम्मल आपके साथ जो है मैं शेयर करूंगा। अभी हमारे चार पहिया वगैरह वो जो हैं सब उधर लगी हुई हैं, जैसे वो आईने वगैरह भी पड़े हैं, सब कुछ बच्चों ने उठाए हैं, तैयारी की है स्कूल की। वो स्कूल चले गए तीनों, बड़ी बेटी भी और हाजरा भी, वसीम भी, और अकेला इब्राहिम इधर घूम रहा है। इसका भी उम्मीद है गर्मियों तक ना, तकरीबन दो चार छः महीने तक ना इसका भी दाखिला करा देंगे और ये भी स्कूल चला जाएगा इंशाल्लाह। हाँ तो जी, ये है जी स्टेपलेजर। स्टेपलेजर लेके आए थे, ये मेरी फ्रिज के साथ था स्टेपलेजर, और मेरी फ्रिज को ये नहीं चलाता था जब हम लेके आए थे। वोल्टेज कम होने की वजह से ये फ्रिज को नहीं चला सकता था। फिर
असगर भाई वाले फ्रिज पे ये स्टेपलाइजर लगाया था और जो इधर लगा हुआ था वो असगर भाई वालों का था। तो कल जो है उन्होंने कहा है कि जी वो फ्रिज जो है हमारी 5 दिन से नहीं चल रही है, बिल्कुल उधर नहीं चला रहा था, उस फ्रिज को भी नहीं चला रहा था। तो फिर मैंने चेंज किया कल इसकी, देखे ना ये वाली जो सुई है इन साइड, ये बिल्कुल कुछ नहीं बता रही भी कितना जो है इसमें वोल्टेज आ रहे हैं। देने के लिए 220 पूरी कर रहा है अभी, तो जब वोल्टेज कम हो जाते हैं ये नहीं चला सकता। लेकिन हमने तो कल का लेके आए हैं, रात चलाई है फ्रिज को, लगाया है तो अभी तक जो है अभी लाइट भी खड़ी है और चल रहा है। फ्रिज की कंडीशन देखते हैं, अभी मैंने खोली नहीं है, इधर से मैंने देखा है, अभी जो है खोल के देखते हैं अभी इसकी क्या कंडीशन है। माशाल्लाह जी देखें धुआं काट रही है और बर्फ जमी पड़ी है सारी। तो इसका मकसद है कि ये स्टेपलाइजर जो है सही काम कर रहा है और असगर भाई की फ्रिज जो है वो पता नहीं चली है उस स्टेपलाइजर पे कि नहीं चली। तो देखते हैं, इधर झाड़ू वालों ने भी मुझे जरिए किया हुआ है, आ जाते हैं सुबह सुबह झाड़ू लेके, करट करट शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ तो जी, इधर जो है बर्तन रख दिए गए हैं, ये देखें ये बर्तन जो है अभी धोएंगे, वाइफ लगता है कोई बाहर का काम कर रही है, बाकी सारा सिस्टम जो है अभी बाहर वाली सफाई भी रहती है। बर्तन इधर रखे हुए हैं और इधर मेरे हिसाब से ना मैं मशीन लगा गई है, हाँ मशीन लगी हुई है, कपड़े धुलाई हो रहे हैं, नीचे भी पड़े हैं और वर्दियाँ वगैरह भी हैं। आज वो जो है वसीम वर्दी नहीं पहन के गया, ये देखें धुलाई हो रही है क्योंकि उसका पैर का मसला था, तो वो वर्दी की ना किनारी जो है पाँव पे लगती थी। तो ये देखें, और इधर माशाल्लाह जी हमारी सेटिंग आज की फिर हो गई, पंखा भी आ गया, टेबल टूल भी आ गया और ये चारपाई सारी सफाई ओके, इस साइड पे भी ओके, नीचे सारा झाड़ू, इधर कुर्सी आ गई, इधर जो रात को पहनते हैं ये इधर रख दी गई हैं और बाकी फ्रिज को भी क्लियर कर दिया गया है, सारा सिस्टम ओके कर दिया है, इधर सफाई होगी उस कमरे में भी होगी। हाँ तो जी, इधर भी चारपाई लगा दी गई है, ये देखें इस कमरे में भी सफाई हो चुकी है और पंखा, ये कूलर पंखा इधर आ गया, ये देखें छत वाला चला हुआ है। ये मेरे चार्जिंग का क्या हाल किया है, ये इतना वाट मेरे हिसाब से ना ये एप्रेम के हाथे चढ़ गया होगा, इतना वाट चाड़े है ना चार्जिंग को, ये केबल खराब हो जाएगी। चलो ये देखें जी, ये बैठा है इब्राहिम खान, इब्राहिम नहा के वापस आ चुका है और इसकी क्या कंडीशन होती है। ये जब भी नहा के वापस आता है ये कहता है मुझे जो है सुर्खी भी लगवाओ, मेकअप करवाओ, ये इधर रो रहा होता है। तो अभी जो है इसकी, ये देखें हमने इसकी तैयारी जो है मुकम्मल करा दी है, अभी बैठा है ये देखें। तो इससे बातचीत करते हैं, इब्राहिम खान क्या हाल है, तबीयत ठीक है, ये क्या लगाया हुआ है, ये क्या लगाया हुआ है, सुर्खी, ये तो बेटे नहीं लगाते, ये तो बेटियां लगाती हैं या जो खवातीन होती हैं, औरतें होती हैं वो लगाती हैं, मर्द तो नहीं लगाते, आप क्यों लगाते हो, आपको शौक है, इसका शौक है जी, ये देखें। हाँ तो जी, अभी हम पहुंच चुके हैं असगर भाई के पास, असगर भाई जो है सोए हुए थे, अभी अभी उठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अकरम भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं, खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल जबरदस्त, आप सुनाएं। आप सुनाएं, ठीक हैं, बिल्कुल जबरदस्त, आपकी तबीयत अब कैसी है। तबीयत भाई जान 50% दिमाग वाला जो है सही है, 50% कमर दर्द का जो हिसाब है वो लेवल मेरे ख्याल में बराबर हो चुका है, सही, इसका तकरीबन फिर एक्सरे कराएंगे, आप कितना है इसके जो है वो हले हुए हैं जो मोरे, आप कितना बेहतर हैं, क्योंकि दर्द बहुत कम हो गया ना दवाई खाने से, सही सही, बहुत सख्त दवाई लिखी डॉक्टर ने, मेरा तो मैदा ही ख़राब हो गया, चलन होती है मेरे, पानी पी करना, तो ये फ़ायदा हुआ है कि उसने कहा था पानी बहुत ज़्यादा पीना आपने, मोटरसाइकिल की सवारी नहीं करनी, ये एहतियात है, सही सही, और एकदम से उठ बैठ नहीं करना है, एकदम से हाँ झुकना नहीं है, एकदम से उठना नहीं है, ऐसे सब ने ध्यान से, जैसे होती हैं कहते हैं सीढ़ियाँ वगैरह ना चढ़ें, मोटरसाइकिल की सवारी ना करें ज्यादा, यानी के उठ बैठ में थोड़ा जो है एहतियात करें, ये तो बात है, अल्लाह ताला जो है दिमाग वाला जो है ना वो अभी आधे से ज्यादा बेहतर है, बाकी आधा रहता है क्योंकि दिन में कभी कभी ना
ये हो जाता है, दिमाग फैल जाता है। अल्लाह ताला जो है बेहतरी करेगा और अल्लाह ताला आपको जो है शिफाए कामला अता फरमाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए, सेहत वाली। छोटे छोटे बच्चे हैं देखें जी। तो बीबी का अभी कंडीशन? बीबी कंडीशन अब बेहतर है, वो तो दोनों पैर जल गए। हाँ, पाँव पे छाले पड़ गए। कल रात को जो है सुबह के दवाई लगाई है, तो कल शाम को मैंने चेक किया, उसके ऊपर छोटे छोटे छाले बने हुए थे। सही। तो मैंने कहा कि ये रात को सोएगी अगर थोड़ा बहुत पैर लगेंगे दूसरे को तो ये फट जाएंगे छाले। जब छाले फट जाएंगे तो सही हो जाएगा, नहीं फटेंगे तो उनको ना फटाएंगे। जब उनको फटा देंगे तो इसका पेन दर्द जो है वो ख़त्म जाएगा, हो जाएगा एकदम। फिर दवाई लगाते रहेंगे, दवाई शरबत वगैरह पीते, इंजेक्शन भी लगाते हैं, सही तो इंशाल्लाह सही हो जाएगी। आज चली है सुबह, थोड़ी देर ना चली है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का। तमाम भाइयों ने दुआ की है ना, आज सुबह मैंने देखा है चली है। चल तो रही होगी शायद, क्योंकि बच्ची है ना, वो छोटी बच्ची, फिर चाहे जो भी हो वो इतना ज़्यादा बैठता नहीं है। जब दूसरे बच्चों को देखते हैं ना खेल रहे हैं तो वो फिर नहीं बैठते हैं, तकलीफ होती है, कुछ भी होता है वो फिर चलते रहते हैं। बाकी अल्लाह ताला के सारे तो स्कूल चले गए हैं, अब वही है, बीबी सोई पड़ी है अब मंजे पे। सही सही। तो सुबह उठी है, नाश्ता वगैरह कराया उसको, दवाई वगैरह पिला दी है, तो अब सो रही है कमरे में। चलो अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, और कुछ जो है अपना क्या कहते हैं एहतियात भी ज़रूरी है। एहतियात का कह रहे थे, बिल्कुल कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि बच्चों को ना सिलेंडर वगैरह या चूल्हे के साथ जो है ना बैठने से। वो मैंने बताया, नसीबों को बोला है कि आप चूल्हे पे बैठी रहें, आप सब कुछ करें, लेकिन बच्चों को किचन से दूर रखें, आपकी मेहरबानी। क्योंकि पहले भी हो चुका है, आपकी बेटी हाजरा के साथ हो चुका है, उसके बाद इसी बड़ी बेटी सवेरा जो है, जो कल जली, थोड़ा थोड़ा सा जली है वो, तो इसको पहले एक बाजू पे भी ऐसे ही आग लग चुकी है, वो भी चाय गिरी थी। तो इस तरह के ना, जब बच्चे आपके पास नहीं होंगे, चूल्हे के पास नहीं होंगे, किचन के पास नहीं होंगे, तो नुकसान नहीं होगा। सही बात। साथ दर जब वहाँ पे आप इकट्ठे करके बैठ जाते हैं बच्चों को, साथ दर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो बनेगी, फिर होता तो क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता ना किधर से। तो कुदरती है, खुदा के हिसाब से होता है, अल्लाह पाक करता है। हाँ। लेकिन एहतियात तो जरूरी है, एहतियात करनी जरूरी है। अल्लाह ताला ने ये कहा है, इसमें सबक ये है कि एहतियात करें, तो इस तरह जो है सही सही सही। बाकी अल्लाह करम करेगा, तमाम देखने वाले बहन भाइयों को, वसीम अकरम व्लॉग जो देख रहे हैं, सबको अल्लाह पाक खुश रखे, सलामत रखे, और इस अकरम भाई के चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये जो गरीब आदमी है, इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अल्लाह पाक इसकी रोजी का वसीला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी अकरम भाई, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी हमारी सफाई जो है कैसे हुई है, ओ मुकम्मल कमरों तक देख सकते हैं आप, ये सारी सफाई है। ये देखें घर के सहन के पानी भी लगा दिया गया है और सफाई भी मुकम्मल हो चुकी है, अंदर बाहर ये देखें बिल्कुल ओके। हमारा सहन जो है अभी चमक रहा है। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें दोस्तों के साथ, और चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। उसके बाद जो है मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बिल्कुल फूलों की तरह। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।